विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव को बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। हर प्रत्याशी जनता का धान बटोरने की कोशिश में जुड़ चुका है। इस वक्त हमारे साथ पश्चिम नागपुर विधानसभा मतदार संघ के अपक्ष उम्मीदवार राजा बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। पिछले कई सालों से समाज सेवा से जुड़े राजा बेग साहब, सर को आखिरकार चुनाव मैदान में क्यों उतरना पड़ा, आइए जानते हैं उनसे ही। नमस्कार सर, शंखनाद प्रस्तुत विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है। सर, पश्चिम नागपुर से आप उम्मीदवार हैं, किस तरह के मुद्दों को आपने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है, जिन बदौलत आप जनता से वोट की अपील कर रहे हैं? नमस्कार, सलाम अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं राजा बेग पश्चिम नागपुर से इस बार आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहा हूं। और जैसे कि आपने कहा किन मुद्दों को लेकर, मुद्दे तो बहुत हैं मेरे, लेकिन मेरा हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है कि किसी भी धर्म या उसके धार्मिक गुरु ग्रंथ पैगंबर या धार्मिक आस्था के केंद्र के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि एक सस्ती लोकप्रियता पाने का ये एक स्टंट बन गया है। कोई भी छुटभैया आता है, किसी भी धर्म जाति के खिलाफ कुछ भी बकवास करके चला जाता है, और इस ये चीजों के अंदर में सरकार का संरक्षण होता है उसको, खासकर वो सरकारें जो एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने का काम करती है, कट्टरवादी ताकतें जो है ये ऐसी चीजों को बढ़ावा देती है। तो हम चाहते हैं कि पहले से जो मौजूदा कानून है उसको, पिछली बार बीजेपी ने नरम कर दिया वो कानून को, आप देखिए एक महाराज के खिलाफ 156 FIR हो चुकी है, लेकिन उन 156 FIR में आज तक के उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। वो एक छुटभैया राणे, नितेश राणे, वो आजकल कहीं पर भी जाके कुछ भी बकवास करता है, मस्जिद में निकाल के मारेंगे ये, तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं ये आपसी सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, हमारे भाईचारे को खत्म करती है। ये लोग तो ऐसी बातें भूलकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेते हैं, लेकिन लोगों के बीच में इसका जो गलत इम्पैक्ट जाता है, तो हमारा बोलना है कि ये कानून जो है इसको इतना सख्त बनाया जाए कि किसी भी धर्म गुरुओं के या धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको 6 महीने तक तो जमानत नहीं होनी चाहिए, जमानत नहीं होनी चाहिए, और 6 महीने के बाद में फिर उसके केस के ऊपर में सुनवाई होनी चाहिए। इस तरीके का सख्त कानून हम अपने महाराष्ट्र से एक शुरुआत करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये कानून लागू हो कि कोई भी किसी के भावनाओं को, किसी के धार्मिक गुरुओं को, किसी के ग्रंथों को छेड़कर किसी की भावनाओं को ना मारता। मेरा दूसरा प्रश्न, मतलब पश्चिम नागपुर मतदार संघ से जो विधायक है तो उन्हें हमेशा जीत का दावेदार माना जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हर बार जनता एक दो मौके सबको देती है, उनकी अभी जो मौजूदा आमदार है, इसके पहले भी जो आमदार थे उनको भी 2 बार मौका दिया पश्चिम नागपुर की जनता ने, वो जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, तो फिर उनको चेंज करके अभी जो मौजूदा विधायक वहां से आमदार है हमारे, उनको भी लोगों ने 5 साल का मौका दिया, लेकिन 5 साल में वो लोगों की कसौटी के ऊपर में खरे नहीं उतरे, इसीलिए 200 लोगों का एक शिष्टमंडल बना, और वो शिष्टमंडल इलेक्शन के कुछ समय पहले मेरे पास आया, और उनका बोलना ये था कि बेग साहब, आप जैसे लोग, जैसे मैं समाज से हूँ, ये जग जाहिर है। हाँ, जग जाहिर है, मैं कोई कल से समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं राजकारण में आए हुए, मुझे पिछले 5 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ मैं, नहीं तो मैं समाज सेवा के नाम के ऊपर में तो सालों, यानी एक जमाने में जब मेरे जेब में मान लो 100 रुपए हुआ करते थे, और कोई अगर मुझसे मदद मांगने के लिए आए तो मैं वो 100 रुपए उठा के उसकी मदद कर देता था, ये सोचकर कि मेरी जरूरत तो मेरा ऊपर वाला कहीं ना कहीं से, मेरा मालिक, मेरा अल्लाह, मेरा भगवान कहीं ना कहीं से पूरी कर देगा, लेकिन ये जो बेचारा मदद मांगने के लिए आया, इसको कहीं ना कहीं उसने मेरे पास भेजा है और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो ये मेरा नेचर शुरू से रहा है। अब मैं जब सक्रिय राजनीति में आया तो ये 200 लोगों का शिष्टमंडल मेरे पास आया, और उनका बोलना था कि वेग साहब, हम अब लोगों को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार मौके नहीं दे सकते, हम 5 साल में लोगों को आजमाएंगे, अगर जो भी विधायक चाहे हम अपने क्षेत्र से नगर सेवक चुनते हो या आमदार चुनते हो या खासदार चुनते हो, अगर वो हमारे कसौटी में खरा नहीं उतरेगा तो हम अगले 5 साल के बाद में उसको चेंज कर देंगे।
तो इस बार हम चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करो पश्चिम नागपुर से, आप इलेक्शन लड़ो, हमारा हम सब लोग और सभी जाति धर्म के लोग हैं उसमें, हाँ कोई एक जाति का आदमी नहीं, सब जाति धर्म के, हिंदी साइडर, मराठी साइडर, और वो यानी जितने भी तेली माली कुनबी सारे लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं पिछले 35 साल से नागपुर शहर में बिजनेस कर रहा हूँ, और मेरे बिजनेस के ताल्लुक से मेरे सारे धर्म, मेरे धर्म के लोगों से ज्यादा मेरे अदर धर्मों में लोगों से संबंध, परिचय और रिलेशन है। अच्छा। तो उनका बोलना यह था कि इस बार आप खड़े रहो, इस बार हम मेहनत करेंगे, आप अगर आपको लगता होगा कि हम आपका पैसा खर्चा करवाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, हम कलेक्शन करेंगे आपके लिए, हम सब, और आप देख रहे होंगे मेरे पास में करीब करीब 500 लोग मेरे साथ में जो आज सक्रिय काम कर रहे हैं, रात दिन मेरे लिए एक कर रहे हैं, वो लोग मेरे एक चाय के भी लागींदार नहीं है। अच्छा। वो लोगों ने मुझसे एक चाय तक नहीं पी है, और वो लोग सब अपना अपना नियोजन अपने तरीके से करते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे कार्यकर्ता साथ होने चाहिए। हाँ, उनको कार्यकर्ता कैसे बोलेंगे हम लोग, यानी मैं तो बोलता हूँ वो भी उम्मीदवार है, वो भी उम्मीदवार है, यानी जो 500 लोगों का जत्था आज मेरे साथ है वो सारे 500 उम्मीदवार है, उन सबको सिर्फ मैं लीड कर रहा हूँ, इसलिए मेरा नाम बैलेट पेपर के ऊपर है कि राजा बेग इलेक्शन लड़ रहे करके अपक्ष उम्मीदवार के। ओके सर, विपक्ष का उम्मीदवार या अन्य पार्टियों का, बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़ी पार्टियां बीजेपी को समर्थन करने के लिए चुनाव में खड़ी होती है, इस तरह का आरोप हमेशा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से लगाया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बोलूंगा कि अब जो भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उनका संवैधानिक अधिकार है, और ये अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है। लेकिन जैसे मैं अगर खड़ा हूं अभी, तो जो मेरे समर्थक है, जो मुझे चाहने वाले हैं, वो चाहेंगे कि बाकी दूसरे उम्मीदवार ना खड़े हो, तो फिर तो वो इलेक्शन नहीं हुआ ना। इलेक्शन तो वो है कि जितने भी लोग खड़े हैं, आज पश्चिम नागपुर के अंदर में 20 उम्मीदवार खड़े हैं, वो 20 उम्मीदवारों में से मैं भी एक हूं, तो ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, और जो जनता 20 लोगों में से किसी एक को चुनेगी, तो वो आदमी वो होना चाहिए कि जिसके ऊपर जनता का भरोसा है, जिसके ऊपर में जनता का भरोसा है, वो उसको जनता चुन के देंगी, तो उसकी का नाम इलेक्शन है ना। नहीं तो आप बोले कि यानी कोई भी खड़ा हो रहा है और वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है करके, तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है मतलब फिर तो दो ही पार्टियां, दो ही लोगों ने इलेक्शन लड़ना चाहिए, तीसरे ने मैदान में उतरना ही नहीं चाहिए। ओके सर, मेरा अगला प्रश्न, सर चुनाव आते ही संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर बहस छिड़ जाती है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, आप इसे कैसे देखते हैं, क्या बताएंगे? देखिए मैडम, संविधान जो है वो हमारे हक और हमारे हुकूक, हमारे को जीने का तरीका और हमारे को एक आजाद विचार देने के लिए संविधान में जो तरतूद की गई है, तो ये संविधान जो है पूरे 140 करोड़ जनता के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। मैं अगर संविधान की आज बात कर रहा हूँ, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं संविधान की बात करेगा ना आदमी। घर में जाने के बाद में जब आदमी दिन भर काम करके घर में जाएगा तो घर के लोगों से एक गिलास पानी मांगेगा, संविधान थोड़ी मांगेगा जी। तो जहां बात करने की जरूरत है संविधान की, वहीं संविधान की बात करेगा। ओके सर, आपके अनुसार पश्चिम नागपुर में विकास और युवाओं के रोजगार की दृष्टि से क्या किया जाना चाहिए, आप किस पर जोर देना चाहते हैं? मैं खुद एक व्यापारी हूं जी। और मेरे पास में आज के तारीख में 200 लोग काम करते हैं, 200 इम्प्लॉई है मेरे पास में, और सारे जाति धर्म के लोग हैं मेरे पास में जिनको मैंने इम्प्लॉयमेंट दिया है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको कि जैसे अगर आपको एक छोटी दुकान आपने शुरू की है और उसमें आपको अगर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो उस दुकान को बड़ी करने में आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, उसी तरीके से मैं एक व्यापारी हूँ, ये पूरे नागपुर की जनता जानती है, और अब यही मैं जहाँ 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, यही 200 लोगों के एम्प्लॉयमेंट को 2000 रुपए कैसा लेके जाना है, तो ये नियोजन करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी जो दूसरे नेता लोग हैं वो लोग इम्प्लॉयमेंट के ऊपर में काम नहीं करते, वो लोग काम करते हैं बिल्डरों के साथ में टाई अप कर लेंगे, परसेंटेज बेस के ऊपर में उनको काम देंगे, उनसे कमीशन लेंगे, वहां से पैसा उगाही करेंगे और फिर वही पैसे से इलेक्शन लड़ेंगे। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए किसी से चारा नहीं मांगे है, जो मेरे दोस्त लोग, जो मेरी कोर कमेटी है, वो लोग जो भी अपने तरीके से चंदा कर रहे होंगे, वो लोग मस्जिद जाकर, मंदिर जाकर, जो भी कोई थोड़ा बहुत हाथ भार लगा रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि वेक साहब आप आइए इलेक्शन लड़िए, हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए, आपको लग रहा है कि हम आपका पैसा लगाएंगे तो हम आपका पैसा नहीं लगाएंगे, हम आपके लिए पैसे का इंतजाम करेंगे, तो वो लोग कर रहे हैं। अच्छा,
मतलब आपके साथ युवा भी शामिल है? युवा शामिल है, महिलाएं शामिल है, क्योंकि ये लोगों पिछले 25-30 साल से इन लोगों के बीच में मैंने जो सेवाएं दी है तो ये लोग खुद चल के आप आ रहे हैं कि भाई साहब आपने जो हमको सेवाएं दी है। कई लोग तो ऐसे हैं शायद मैं उनको कभी देखा भी नहीं, कभी जानता भी नहीं, वो लोग बोले कि सर आपने मेरा फला काम फोन के ऊपर में करवा दिया था, आपने वो साफ से बात करके मेरा काम कर दिया था। तो ऐसे अनेकों लोग आए, हजारों लोगों के मुझे फोन आए, देख साहब शायद आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा लेकिन मैं फला फला शख्स या मैं फला फला लेडी, मैं आपको जानती हूँ बहुत अच्छे से, आपने मेरी ये मदद की थी। अब हमारा नेचर तो कैसा है, नेकी कर और भूल जा। हाँ, क्योंकि नेकी इसलिए नहीं की जाती है कि सामने वाला आपके सामने हाथ जोड़ के जाए, नेकी इसलिए की जाती है कि सामने वाले की जरूरत पे आप खड़े उतर जाओ, उसका जो भी बेनिफिट है वो ऊपर वाला आपको देता है। तो मैंने हमेशा नेकी की है तो उसका बेनिफिट मेरे को ऊपर वाले ने दिया है। हम तो समझते हैं कि हमारे मरने के बाद बेनिफिट मिलता है, गलत बात है ये, तुरंत बेनिफिट मिलता है। आप भी कभी कोशिश करके देखो, आज आप किसी की 100 रुपए की मदद करो, 8 दिन के अंदर मैं आपके वो 100 रुपए 1000 रुपए बन के कैसे आपके सामने आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सर आपका प्रमुख एजेंडा क्या होगा, किन बिंदुओं पर आप मुख्यता से काम करना चाहेंगे? देखिए मैं तो सबसे पहले, वैसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बताने बैठूंगा तो आपकी वीडियो जो है वो 4-5 घंटे की बन जाएंगी, लेकिन अभी जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर में पश्चिम नागपुर के अंदर में मैं चाहता हूं कि कम से कम 20,000 लोगों के पीछे में एक अस्पताल होना चाहिए। खराती अस्पताल बोला जाता था जिसको, अभी आप दिल्ली में देख रहे होंगे ये चल रहा है मोहल्ला क्लिनिक। हाँ। तो मोहल्ला क्लिनिक के नाम के ऊपर में, क्योंकि एजुकेशन बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य जो है आज स्वास्थ्य बीमारियों को इतना महंगा कर दिया गया है कि ये आम आदमी की पकड़ से बाहर हो गई, सरकारी दवाखानों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। अगर अभी किसी के घर में आप देखिए, परिवार में अगर किसी आदमी को चक्कर आके अगर वो गिर जाए और उसके जेब में 1 रुपया ना हो तो भी वो लेडी अपने जेवर गहने लेके जाती है, आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करती है और सीधा सोनार के पास में जाके गिरवी रख के लेके आती है, और वहां पे भी अगर उसको 10-20 हजार रुपए लगे तो वो प्राइवेट में लगाती है। तो सरकारी अस्पतालों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है। तो सबसे पहले तो सरकारी अस्पतालों के ऊपर में उनका आधुनिकीकरण करना, लोगों का वहां पे विश्वास पैदा करना कि जिनके जेब में पैसा नहीं है वो भी सरकारी अस्पताल में अगर जाएंगे तो उनके साथ में वही इलाज किया जाएगा जो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करते हैं। हर 20,000 लोगों के पॉपुलेशन के बीच में एक मोहल्ला क्लिनिक, जो छोटी मोटी सुविधाएं कम से कम सलाइन लगाने तक के, कि जो भी पेशेंट जा रहा है बहुत सीरियस कंडीशन में तो वहां पे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए और वहां से फिर हम लोग उसको बड़े दवाखाने की तरफ में शिफ्ट करें। अच्छा। पागलखाना चौक के ऊपर में जिला अस्पताल 2018 में उसका काम शुरू हुआ था, 5 मई 2018 को उसका काम शुरू हुआ था, 2019 में कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में सरकार ने वो हॉस्पिटल का काम बंद पड़ गया, फिर उसको शुरू ही नहीं हुआ। 2021 में जब यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो राजेश टोपे साहब जो है वो स्वास्थ्य मंत्री थे। अच्छा। मैंने उस समय राजेश टोपे साहब को उस दवाखाने में बुलाया, मैंने बताया सर ये इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, और ये एक सरकारी अस्पताल बन रहा था वो भी छोटा सा 100 बेड का, तो मेरी मांग ये थी कि ये पहले तो 100 बेड का जो हॉस्पिटल है इसको 500 बेड का किया जाए, और ये हॉस्पिटल को, ये हॉस्पिटल के अंदर में सारी सुविधाएं मुहैया हो, जैसे किसी को हार्ट अटैक भी आता है तो वो वहां जाना चाहिए, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है वो भी उसने भी वहां जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद में जो हॉस्पिटल का बंद पड़ा हुआ काम था उस समय राजेश टोपे साहब ने संज्ञान लिया, उसके लिए फंड मुहैया कराया और उसके बाद में वो हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ, तो आज वो हॉस्पिटल 200 बेड का हुआ है। अच्छा। 100 से 200 बेड का हुआ है, और मैं अगर आने वाले विधानसभा इलेक्शन में अगर पश्चिम नागपुर की जनता ने मेरा सहयोग किया और मुझे यहाँ से निर्वाचित करके दिया तो मैं जनता से वादा करता हूँ कि इस तरीके का जो एक जिला अस्पताल अभी पश्चिम नागपुर में पागलखाना चौक के ऊपर में बन रहा है उसके ऊपर में मैंने 3 बार आंदोलन किया। अच्छा। और उसका मेरे को बेनिफिट भी मिला है, हम कोई काम करते हैं ना उसका बेनिफिट मिलता है, तो इस तरीके के कम से कम 3 अस्पताल और 2 अस्पताल हम लोग पश्चिम नागपुर में कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आप बड़े अच्छे बिंदुओं पर कार्य कर रहे हो। सर पश्चिम नागपुर अल्पसंख्या मतदाताओं का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पर बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, ऐसे में क्या लोगों तक आप अपनी बात पहुँचा पाएंगे? मैडम कैसा रहता, कोई बीजेपी का वोट बैंक नहीं रहता, कोई कांग्रेस का वोट बैंक नहीं रहता है, वोटर वोटर है और नेता नेता है। हम अपने आप को समाज के सामने जब प्रस्तुत करते हैं वो हमारी छवि समाज के बीच में बनती है। अभी आप बोलते हैं कि बीजेपी का वोटर है, आप पश्चिम नागपुर के अंदर में सर्वे कर लीजिए, आप
किसी के शक्ल सूरत नाम या सरनेम देखकर डिसाइड करते कि ये बीजेपी का वोटर है ये कांग्रेस का वोटर है। मेरे साथ में पश्चिम नागपुर के अंदर में जितने भी जो भी समाज के लोग आप जितने अगर आपके पास में 350 सरनेम होंगे तो 350 सरनेम बता दीजिए हर आदमी मेरे को वोट देगा। हर आदमी मेरे को वोट देगा। मेरे साथ में अभी मैंने 4 दिन पहले एक रैली निकाली थी संडे के दिन, तो उस रैली के अंदर में जोशी पंडित जी समझे क्या तिवारी मिश्रा दुबे सारे गोरखेड़े से लेकर वानखेड़े से लेकर अब मिर्जा से लेकर कुरेशी हर जाति हर पाति हर समाज का आदमी मेरे साथ में था। तो आओ तो आप जो बोलते हो कि वो बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है करके, वोट बैंक कुछ नहीं होता है, आदमी की काबिलियत के ऊपर में उसको वोट मिलते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो अपनी काबिलियत से चुन के आता और हम उस क्षेत्र को जो है डिक्लेयर कर देते कि ये बीजेपी बहुल क्षेत्र है या ये कांग्रेस बहुल क्षेत्र है। जी जी जी, आपने सही कहा कि लोग काबिलियत से ही चुन के आते हैं। इस चुनाव से पहले सरकार ने भाजपा पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए लाडली बहन योजना सहित महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैडम देखिए, ये जो बीजेपी पार्टी है ये जनता को बेवकूफ समझती है। इनको लगता है कि ये पूरे हिंदुस्तान की जनता हो तो इनको लगता है कि जनता को अकल नहीं है। इनको कुछ भी 10-15 हजार रुपए की हम मदद कर देंगे और उसी के तर्ज के ऊपर में कांग्रेस भी काम कर रही है। अभी कांग्रेस ने दावा किया कि हम 2000 रुपए देंगे, फिर बीजेपी के किसी आदमी का स्टेटमेंट आया कि हम 2100 रुपए देंगे। तो जो देश का अब जो स्टेट का डेवलपमेंट में नियोजन होना चाहिए उसमें सरकारों को पैसे खर्चा करना चाहिए। हमारे यहाँ के जो युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार का नियोजन करना चाहिए। जो अभी नए बच्चे जो पढ़ाई कर आ रहे हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाने चाहिए। आज जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ई लाइब्रेरी का इंतजाम करना चाहिए। इसके ऊपर सरकारों को पैसे खर्च करना चाहिए। तो ये सरकारें महिलाओं को 1000 रुपए 1500 रुपए 2000 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा डाल दिया उन्होंने इलेक्शन आ रहे करके। तो क्या आप भी एक महिला है और आपको अगर कोई 2000-3000 रुपए 5 साल सरकार में रहने के बाद में 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, 2.5 साल महायुति की सरकार थी, तो आपने देखा कि ये लोगों ने 50-50 करोड़ रुपए में आमदार खरीद के सरकार बनाई है। तो ये 50 करोड़ रुपए इनके पास आ कहां से रहा है, क्या झाड़ लगे इनके यहाँ पैसों का? तो ये हमारा भविष्य बेचकर, हमारे बच्चों का भविष्य बेचकर, हमारे महिलाओं का भविष्य बेचकर, हमारे बुजुर्गों के लिए जो नियोजन होना चाहिए उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करके ये 1500-1500 रुपए देकर लोगों को वोट जो खरीदने का जो काम कर रहे हैं इससे बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि लोगों को पता है कि ये लोग 1500-2000 रुपए देने के बाद में हमारे बच्चे का भविष्य अंधकारमय करने वाले हैं, हमारे शहरों का भविष्य अंधकारमय करने वाले हैं। इसलिए जनता ये झांसे में नहीं आने वाली है और ये 1500-2000 का एक बहुत बड़ी बड़ी बीजेपी ने किट भी बांटी है, पता होगा शायद आपको। तो ये एक एक मतदाता के पीछे 1000-2000-5000-10000 रुपए खर्च करके ये वोट नहीं ले सकते। हम वोट ले सकते हैं इस बात के ऊपर भी कि हमारे पास में जनता के लिए क्या नियोजन है, उनके भविष्य को लेकर क्या नियोजन है, उनके बच्चों के भविष्य को लेकर क्या नियोजन है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर क्या नियोजन है। आज पश्चिम नागपुर के अंदर में 50 सरकारी स्कूलें बंद पड़ी हुई है। आज वो सरकारी स्कूलों को आप CBSE की तर्ज के ऊपर में शुरू कीजिए, वहां वो पैसा खर्च कीजिए ना। आप 1500 रुपए जिन माओं को दे रहे हैं वो माए 3000 रुपए आपको देंगी क्या? आपने अगर अच्छा एजुकेशन अच्छी शिक्षा प्रणाली हमारे बच्चों को दी, आपने अच्छा नियोजन किया हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर, तो ये जो महिलाएं 1500 रुपए इनको ये महिलाओं को दे रहे हैं ये महिलाएं 3000 रुपए चंदा देंगी सरकारों को। जी बेग साहब, हमें ये बताइए कि आज जो महंगाई है वो आसमान छू रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई आसमान इसलिए छू रही है कि ये जो 1500 रुपए दे रहे हैं ये 3000 रुपए वसूल कर रहे हैं। 35 रुपए लीटर का पेट्रोल 105 रुपए में हमको देखे 3 गुना दाम में बेचकर और 1500 रुपए 2000 रुपए। तो आज आगे आने वाली जो सरकारें हैं वो यही तरीका चला रही है कि इलेक्शन के 1 महीना पहले 2 महीने 4 महीने पहले कोई स्कीम लाओ महिलाओं के लिए युवाओं के लिए, उनको फुकट में पैसे दो। कितना एक युवा को आपने 3000 रुपए दिया कितने दिन खर्च करेगा वो?
कितने दिन खर्च करेगा, 8 दिन 10 दिन में खर्च कर देगा, उसके बाद का उसका भविष्य क्या, कल जब उसकी उम्र 25-26-27 साल हो गई, उसको शादी करना है तो वो क्या क्या रिश्ते में क्या लेके जाएगा। आप खुद एक महिला हो, आप समझ सकती है ये बात कि आप तो भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, इसके लिए महाराष्ट्र की जनता किसी को माफ नहीं करेगी। जाते समय हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगा, पश्चिम नागपुर की जनता को और पूरे नागपुर शहर की जनता को, कि जो लोग आपके लिए अच्छा नियोजन कर सकते हैं, आपके बच्चों के भविष्य को लेकर जिनके पास में प्रोग्राम है, आप महिलाओं के घर में, हर घर में महिलाओं के लिए किस तरीके से हम लोग घरगुती कामों में आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, सभी क्षेत्रों में समान अधिकारों के लिए कार्यक्रम चला सकते हैं, जो लोगों के पास में आपके डेवलपमेंट का, आपके बच्चों के डेवलपमेंट का, आपके बस्तियों के डेवलपमेंट का, आपके मैदानों के डेवलपमेंट का, आपके बच्चों के एजुकेशन को लेकर जिनके पास में प्लान है, ऐसे ही प्रत्याशियों को चुनकर दे। अन्यथा ये जो लोग एक पार्टी के नाम पर टिकट, हमारे वोटों का बंटवारा, कि ये तो कांग्रेस का बेल्ट है और ये बीजेपी का बेल्ट है, ऐसा कोई बेल्ट नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो लोग आपके लिए काम करे, हमेशा आपके लिए तत्पर रहे, और सिर्फ जो वादे इरादे जो मेमोरेंडम हमारे घर छोड़ के जा रहे हैं इसी के ऊपर काम ना करें, हमारी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर में जो प्रत्याशी काम कर सकते हैं इनको बहुमतों से जिता कर दे। और कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि बेग साहब आपने शायद कांग्रेस का समर्थन कर दिया है, आपकी क्लिप मार्केट के अंदर बहुत चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहां पर मुझसे कहा गया कि हमारे को गठबंधन का धर्म निभाना है, क्योंकि मैं पहले एक पॉलिटिकल पार्टी से था और मैं अपने एरिया का पश्चिम नागपुर का अध्यक्ष भी था। मैंने जब इलेक्शन लड़ने का सोचा तो उसके एक महीना पहले मैंने रिजाइन कर दिया था वो पार्टी से, तो उसी पार्टी के हमारे नेताओं ने कहा कि भाई आप समर्थन दे दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे कुछ मुद्दे हैं, कुछ युवाओं के, महिलाओं के, हमारे क्षेत्र को लेकर, क्योंकि ये महिलाओं, ये जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इन लोगों ने जिस मुद्दों के आधार के ऊपर में पिछले विधानसभा में जिस प्रत्याशी को चुन के दिया था वो 5 साल में उनके मुद्दों पे खरा नहीं उतरा, इसीलिए अब वो चेंज करना चाहते हैं। लेकिन आपके खड़े रहने से अगर कोई एक पार्टी को बढ़ावा मिलता है तो आप समर्थन दे दीजिए। मैंने उनसे खुला कहा कि हमारे साथ के जो लोग हैं आप उनसे ओपन टॉक कीजिए, खुले में बातचीत कीजिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर में चाहे आप उसको निराकरण करने का वादा कीजिए या आश्वासन दीजिए, मैं आपको समर्थन दे दूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी लोगों के सामने ओपन में बात नहीं की और मैंने कोई समर्थन नहीं दिया। और मैं अपने पश्चिम नागपुर की जनता से अपील करता हूं कि इस बार मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आप मुझे बहुमतों से जीता कर लाए और मैं आपके हर काम में आपके साथ में खड़ा रहूंगा। आपको लगे हमारे को जो आम जनता होती है उनको आमदार के घर जाना पड़ता है, मैं आपसे वादा करता हूं, अब मैं एक हेल्पलाइन नंबर दूंगा आपको, आप उस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर में मुझे कॉल करेंगे, मैं 24 घंटे में आपके दरवाजे के ऊपर में दस्तक दूंगा, ये वादा करता हूं आपसे। और आपकी हर मूलभूत सुविधाओं के लिए मैं लड़ाई करूंगा और मैं आपके काम करवा के दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो मैं पश्चिम नागपुर की जनता से गुजारिश करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को ईवीएम मशीन के ऊपर मेरा 17 नंबर का बटन है, मेरा चुनाव निशान है क्रेन और मेरा नाम है राजा बेग, तो क्रेन का 17 नंबर का बटन दबाकर मुझे बहुमतों से विजयी कीजिए। और 23 तारीख को जब रिजल्ट आए तो मैं समझू कि आपने मुझे आमदार बनाया है, पश्चिम नागपुर से अपनी सेवा करने का मौका दिया है, और 17 नंबर का क्रेन का बटन दबाकर मुझे बहुमतों से विजय कीजिए। 24 तारीख से मैं आप लोगों की सेवा में आपके दरवाजे दरवाजे आपके आपको धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बेग साहब, आप शंकरात प्रस्तुत विशेष मुलाकात में है, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ,
केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमराइड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं काड़ेपाइल्सहॉस्पिटल.com।